हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइली सोनम अगेन। सो रिसेंटली आप लोग सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे दैट हाउ मच बिजी आई एम। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, जिस वजह से ना मैंने हेयर केयर किया है ना मैंने फेस केयर किया है। हल्दी बोलो मेहंदी बोलो हर चीज में मैं बैक टू बैक, मेरा मेकअप था जिस वजह से मैंने फेस केयर भी बिल्कुल नहीं किया। सो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ माई वीकली हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन, जो बेसिक है, जो मुझे करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोग का शेयर करूंगी वेदा ऑयल स्पेशल ऑयल जो मैं अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करती हूँ, एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी जरूर शेयर करूंगी एंड पूरा रिव्यू दूंगी इसका। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला बट ऑब्वियस हेयर केयर रूटीन है मेरा ऑयलिंग। ऑयलिंग मुझे इसलिए करना कंपलसरी है आज के दिन बिकॉज इतने दिनों से मैंने हेयर स्टाइलिंग, हेयर की चोटी, हेयर के ऊपर बहुत सारे मशीन्स, ब्लोअर मशीन को यूज़ किया है बैक टू बैक। सो मेरे बालों को नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। सो ऑयलिंग के लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कोकोनट ऑयल, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लीजिए। सेकेंड है मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वेदा ऑयल का। वेदा ऑयल में आपको सारे एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस ऑयल्स, बटर्स और वैक्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो कि एक स्टील बॉटल में आता है। बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है इसकी, इजीली आप ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप मैं अपने ऑयल के साथ मिक्स करने वाली हूँ। एज एवरीबडी नोज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपके बालों में थिनिंग या आपके स्काल्प में इचिंग या कोई भी इन्फेक्शन है, मैं रिकमेंड करती हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एवरीबडी टू यूज़ एंड स्टार्ट इट राइट नाउ। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कम से कम 1 साल से, मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ऐड किया है एंड सिंस देन मुझे हेयर ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आई है। इनफैक्ट मेरा हेयर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल आ गया है। मैं वीक में 2 बार इस ऑयल को लगाती हूँ नहाने के 2 घंटे पहले। आप ओवरनाइट भी इसे लगा सकते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए एसेंशियल ऑयल रोजमेरी का जो है हमेशा कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाए। मैंने इसे इसी तरह से लगाया है, मैं बालों में अच्छी तरह से चम्पी, अच्छी तरह से मसाज करके इसे 2 घंटे के लिए अपने बालों में छोड़ दूंगी एंड देन मैं हेयर वॉश कर दूंगी। तब मैंने इसे अपने बाल में छोड़ा है 2 घंटे के लिए, मैं अपना फेस केयर करने वाली हूँ। एज यू कैन सी मेरा फेस भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, मैंने काफी ज्यादा मेकअप वगैरह अपने चेहरे पर लगाया था रिसेंटली। तो यहाँ पे फेस पैक में मैं यूज करने वाली हूँ वेदा ऑयल का रोज क्ले पाउडर जो कि बेंटोनाइट क्ले के जैसा ही होता है। ये एल्यूमिनियम फॉइल में आता है जिसकी पैकेजिंग ईजी स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है, आप आराम से को स्टोर कर सकते हैं। 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी है, फ्री फ्रॉम पैराबीन एंड क्रूल्टी विथ नो केमिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, बहुत ही इजी है। 2 टेबलस्पून रोज क्ले पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से थिक पेस्ट बना दीजिएगा सेम फेस मास्क की जगह। अब फेस पैक के अलावा आप इसे स्किन केयर, हेयर केयर, सोप मेकिंग, बहुत अलग अलग तरीकों में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया एज अ फेस पैक बिकॉज ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। अब चलिए फिर ये रेडी हो गया है, इसे मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। फेस पे लगाते साथ मुझे एक सबसे अच्छी फीलिंग जो आई है वो है सेटिस्फाइंग। गाइज इट इज़ सो सेटिस्फाइंग ऑन माई स्किन, इतना ईजिली ये स्प्रेड हो जाता है एंड कुछ भी ड्रिप भी नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं, इम्प्रूव करता है आपकी स्किन इलास्टिसिटी को, सेल रीजनरेट करता है, बूस्ट करता है कोलाजन को, ब्राइटन वाइटन स्किन रहता है, बैलेंस करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे इस वक्त हो रही थी बिकॉज ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप, सो इसलिए मेरे लिए बेस्ट था ये मास्क। इसे लगाने के बाद आप 20 मिनट्स में वॉश कर दीजिए एंड यू कैन सी द चेंजेस राइट अवे। स्किन सबसे ज्यादा तो मेरा शाइन कर रहा है एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। अगर वीक में 2 बार इसे लगाने की अगर आपने हैबिट लगा दी, आपकी काफी ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, सो जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। नाउ मेरा हेयर का टाइमिंग अभी भी बचा है तो मैंने सोचा है मैं इसके साथ साथ कुछ और भी कर देती हूँ, जैसे कि मेरा फेशियल मसाज, रिलैक्स माय फेशियल मसल्स एंड ऑल। मेरा स्किन बहुत ही ज्यादा टायर्ड था तो मैंने यहाँ लिया है वेदा ऑयल का स्वीट आलमंड ऑयल जो हमेशा मैं मसाज के लिए यूज करती हूँ। ये सारे बॉटल स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम बॉटल के है, हार्ड प्लास्टिक कैप है, सो इजिली ब्रेकेबल नहीं है ये। अब ये ऑयल की खासियत है ये एंटी बैक्टीरियल है तो एंटी एजिंग होता है, स्किन काफी ज्यादा टाइट रहता है, ट्रीट करता है ड्राई स्किन को एंड रिपेयर करता है अगर आपका स्किन काफी ज्यादा डैमेज हुआ है।
है तो। साथ ही साथ ये आप अपने हेयर केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट हैज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रमोट करता है हेल्दी हेयर, इसमें वाइटामिन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिससे कि आपका बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रो करता है। तो आप अपने हेयर ऑयल में भी इसे ऐड कर सकते हो। ऑल ओवर ये मेरे स्किन और हेयर सारी चीज़ों में काम आता है। मैं हमेशा एलमंड ऑयल जो है अपने पास ज़रूर रखती हूँ, स्पेशली स्वीट एलमंड ऑयल की बात ही अलग है गाइज। अब यहाँ पे मैं ग्वाशा स्टोन यूज़ करके अपना फेशियल मसाज कर रही हूँ, सारे मसल्स को रिलैक्स कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है गाइज। ये एक ऐसा टूल है जो आपके स्किन को कम्प्लीटली, आपके फेस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो आप इस फेस मसाज को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट मसाज टेक्निक है ये। सो कम्प्लीटली आपके स्किन को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, जो वीक में एक बार मेरे लिए नेसेसरी है गाइज। तो चलिए फिर मैं अपने बालों को भी वॉश कर देती हूँ, एंड देन इस तरह से मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है। अब आफ्टर हेयर वॉश भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, बिकॉज मेरे बालों को चाहिए होता है नरिशमेंट, ताकि मेरे बालों में हमेशा शाइन रहे, सिल्की रहे, स्प्लिट एंड्स ना हो और मॉइस्चर लॉक रहे, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ वेदा ऑयल का आर्गन ऑयल, जो आपके काफ़ी सारे हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करता है। मैं इसे स्पेशली अपने आफ्टर बार रूटीन में ऐड करती हूँ, जैसे कि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, डैंड्रफ है, बाल में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। हल्का सा 2-3 ड्रॉप अपने पाम पे रब करने के बाद इसे अपने बालों में ऐसे फेर दीजिए। वेट हेयर में ही आप अप्लाई कर सकते हो, पूरे बालों में हल्का हल्का हाथ घुमा दीजिए, विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा इन अ मंथ, ट्रस्ट मी आई कैन गारंटी यू दैट। इसीलिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं दैट हाउ योर हेयर शाइन सो मच, सो दिस इज़ वन ऑफ माई सीक्रेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई होप यू ऑल लव द वीडियो, आपने देख लिया कितना ईजिली सिंपली मैं अपने हेयर केयर को और अपना स्किन केयर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देती हूँ, ये बेसिक के जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।